भिवंडी के पूर्णा इलाके में HDFC बैंक के ATM में 10 दिसंबर की भोर में घटी इस घटना में अज्ञात चोरों ने गैस कटर की मदद से HDFC बैंक के ATM को काटकर मशीन में रखा 26,04,500 रुपए चुरा कर रफू चक्कर हो गए थे। घटनास्थल पर पुलिस को 10 लीटर का ऑक्सीजन का बाटला भी मिला था। ये घटना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती की तरह थी, जहां आरोपियों ने CCTV पर ब्लैक कलर का स्प्रे मारकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश की थी। चोरों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़ के मार्गदर्शन में एक टीम को गठित कर दिया गया था। पुलिस टीम राजस्थान के केथवाड़ा पहुंची और मुख्य आरोपी शराफत अजमत खान को हिरासत में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस घटना में शामिल 6 अन्य आरोपियों को मुमरा से गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इलियास खान, गुलाम खान, शोएब खान, तौफिक अंसारी हैं। इन सभी आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल 2 बाइक भी बरामद कर ली गई है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।